ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया चॉकलेट केक हमने बनाया है, वो भी डेरी मिल्क चॉकलेट के साथ। तो डेरी मिल्क चॉकलेट के साथ बिना बेकिंग के आप ये केक बना सकते हैं। इसे बनाना इतना सिंपल है कि बच्चे भी इसे बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो लॉकडाउन में इतनी आसान रेसिपी आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। कम सामानों में बिना बेकिंग के झटपट बनने वाला ये केक आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है, एकदम परफेक्ट। तो अगर आपको बेकिंग करने में झंझट लगता है तो इस केक को आप ज़रूर ट्राई करना। देखिए बहुत ही बढ़िया परफेक्ट लेयरिंग के साथ आप ये केक बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए आपको बिल्कुल सादा सामान नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में केक तैयार हो जाता है। तो चलिए डेरी मिल्क का ये चॉकलेट केक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने ये 10 रुपये वाली 4 डेरी मिल्क ली हैं, और ये डेरी मिल्क चॉकलेट आपको बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। अगर आप डेरी मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ मिल्क कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट को हमें इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। अब हम एक गैस पर पैन रखेंगे और पैन के अंदर यहाँ मैं डालूंगी घर की फ्रेश मलाई। यहाँ मैंने ये 1/4 कप मलाई ली है दोस्तों। मोटी वाली परत आपको नहीं लेनी है, जो उसके नीचे पतली क्रीम होती है वो आपको इस्तेमाल करनी है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था कि दूध से आप कैसे क्रीम बनाते हैं, वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। और अब हमने क्रीम को मेल्ट कर लिया है, तो अब क्रीम जैसे ही मेल्ट हो जाए आपको गैस को बंद कर देना है और चॉकलेट को इस क्रीम में मिक्स करके मेल्ट कर लेना है। चॉकलेट हमारी क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा इसमें दूध मिलाएंगे। तो 3 चम्मच के करीब मैं इसमें दूध डाल देती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा चॉकलेट गनाश तैयार हो गया है। ये हमारा पोरिंग गनाश है दोस्तों। अब हम इसे पाइपिंग गनाश के रूप में बदलेंगे। इसे हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया क्रीम। तो इसके लिए आपको इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही रख देना है। ये देखिए 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में रखने के बाद ये कितना गाढ़ा हो चुका है। और अब यहाँ मैंने एकदम ठंडा चिल बाउल लिया है। कोई भी बर्तन को आप फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिए और उसके अंदर ये जो हमने अब इसमें जो हमने चॉकलेट का गनाश तैयार किया था इसे हम इसमें डाल देते हैं। इसे डालने के बाद हम यहाँ पे इसे बीट करने वाले हैं। तो अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप यहाँ हैंड विस्क यूज़ कर सकते हैं। मैं आज इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ करके इसे बहुत अच्छे से बीट करूँगी। फ्रेंड्स, जो मैंने मलाई यूज़ की थी वो एक अल्टरनेटिव है अमूल फ्रेश क्रीम या फिर व्हिप क्रीम का। तो अगर आपके पास व्हिप क्रीम है या अमूल फ्रेश क्रीम है तो आप यहाँ पर उसका इस्तेमाल करें, आपको उसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे बीट कर लिया है और कैसे इसकी जो कलर है वो डल होता जा रहा है और जो हमारी क्रीम है वो बनकर तैयार हो रही है। तो जैसे जैसे ये बीट होता जाएगा हमारी क्रीम बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इस क्रीम के साथ आप अपने केक को बहुत आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाने वाली हूँ, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है हमारी स्टिप पीक वाली क्रीम। तो आप देख कर भी नहीं बता पाएंगे कि ये क्रीम आपने डेरी मिल्क और दूध के साथ बनाई है। तो चलिए अब हमारा इंस्टेंट केक बनाने के लिए यहाँ मैं ब्रेड के स्लाइस ले रही हूँ। तो यहाँ मैं 4 ब्रेड के स्लाइसेस के कॉर्नर अलग कर लेती हूँ। चारों ब्रेड पीसेस को मैंने इस तरीके से काट कर तैयार कर लिया है। अब चलिए फटाफट से अपना इंस्टेंट केक बना लेते हैं। तो आज बिना किसी टर्न टेबल या केक बोर्ड के हम इसे बना रहे हैं। कोई भी प्लेट या ट्रे ले लेते हैं। अब प्लेट पर हम क्रीम लगा लेते हैं और इसके ऊपर ब्रेड का स्लाइस रखेंगे। इसे हम तैयार किए हुए शुगर सिरप से सोक कर लेते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए 1/4 कप पानी के अंदर आप 2 बड़े चम्मच चीनी डाल के इसे घोल लें तो आपका शुगर सिरप बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब जो हमने क्रीम बनाई है इसे अच्छे से फैला लेते हैं। तो ये काम आप एक नाइफ से आराम से कर सकते हैं। फिर हम ब्रेड की दूसरी लेयर लगाएंगे और उसके भी शुगर सिरप से ऐसे ही सोक कर लेना है। इस पे भी हम क्रीम फैला लेते हैं। ऐसे ही हमें तीसरी लेयर भी लगा लेनी है।
और अब हम पूरे केक को इसी तरीके से इस क्रीम से कवर कर लेते हैं। फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत ही आसान लॉकडाउन स्पेशल रेसिपी है। अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप ये डेरी मिल्क के साथ बहुत आसानी से केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए बनाने के बाद सेट होने के लिए रख दें तो आपका जो केक है वो बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाएगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए मैंने क्रीम से अच्छे से केक को कवर कर लिया है और ऊपर से हल्का सा फिनिश भी कर लिया है। अब जो हमने यहाँ चॉकलेट से सिरप बनाया था शुरू में, उस सिरप को मैंने थोड़ा सा बचा लिया था जिसे मैंने एक पाइपिंग कोन में भरा है और उसी से हम यहाँ ड्रिपिंग इफेक्ट दे रहे हैं। इससे केक बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो आपको बिल्कुल ज़्यादा सिरप नहीं चाहिए, 1 चम्मच ही सिरप आपका पूरा काफ़ी हो जाएगा इसको कवर करने के लिए। अब यहाँ मैंने एक पाइपिंग कोन में यही क्रीम हमने भर ली है और साथ में यहाँ मैंने लगाया है स्टार नोज़ल, तो इसे हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर लेते हैं ऊपर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये नहीं है, स्टार नोज़ल नहीं है, तो आप यहाँ पर साइड में जेम्स लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ ड्राई फ्रूट्स को काट के भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने डिज़ाइन बना लिया और ऊपर से मैं लगा रही हूँ इसमें चेरी। चेरी की जगह आप टूटी फ्रूटी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर इंस्टेंट केक रेडी हो गया है और आप इसका लुक देख सकते हो, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। दोस्तों आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना और अगर आप इसी तरीके की आसान वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऊपर से हम इसमें थोड़े से सिल्वर बॉल्स भी डाल देते हैं, इससे और भी अच्छा लगेगा दिखने में। तो चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। तो ये मैं अभी के अभी आपको काट के दिखा रही हूँ, आप इसे थोड़ी देर बाद काटिएगा, इससे ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट लेयर आई है और इस तरीके से आप अपने घर पर बिना बेकिंग झंझट के या फिर किसी भी टेंशन के इस केक को बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपके पास बेकिंग पाउडर है या नहीं, सोडा कितना डालना है, या आपके पास टिन नहीं है, ओटीजी नहीं है, या गैस पर आप कैसे बेक करें। तो सबसे आसान रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।